यहाँ पर आने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि आप लोगों के बीच में बैठकर ये जान सकें कि किस तरीके से हमें अपनी कौम के लिए भी काम करना है। सबसे अहम बात यह है इस पूरे मुल्क के हिंदुस्तानों मुसलमानों के लिए कि हम यहाँ मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ नहीं है। हमने हिंदुस्तान को चुना सारी परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। यहाँ पर मौजूद सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अदीब साहब का, जो मेरे वालिद के साथ भी रह चुके हैं, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने सभी दिग्गजों के बीच में अपनी बात रख सकूं। और आज मैं आप सब से सीखने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जिस सीट से आती हूँ, जहाँ से मैंने ये चुनाव जीता है, जैसा इमरान साहब कह रहे थे, बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम सिर्फ अपनी कौम के बलबूते पर जीत सकते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसी सीट से आई हूँ जहाँ सिर्फ 30% होने के बावजूद तमाम जितने भी हमारे वहाँ के सेक्युलर माइंड के लोग थे, जो सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे वहाँ से अपना नुमाइंदा चुनकर भेजा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में मैं जिस उम्मीद के साथ आई थी, यही लेकर अपने दिल में आई थी कि मैं न सिर्फ किसी एक की, बल्कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है और यहाँ पर जितने भी मज़हब, जितनी भी जातियाँ मौजूद हैं, खासकर मेरी कंस्टिट्यूएंसी की, तो मैं उन सब की आवाज़ ईमानदारी से उठा सकूं। लेकिन यहाँ पर आने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि आप लोगों के बीच में बैठकर ये जान सकें कि किस तरीके से हमें अपनी कौम के लिए भी काम करना है, किस संजीदगी के साथ हमें अपनी कौम के मुद्दे उठाने हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है इस पूरे मुल्क के हिंदुस्तानों मुसलमानों के लिए कि हम यहाँ मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ नहीं है, बाय चॉइस ज़्यादा है। हमें मौका दिया गया था और हमने अपना मुल्क चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना सारी परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए। और ये बात हमें खुद भी याद रखनी है और कोशिश करनी है कि जितने भी लोगों के बीच में हम जी रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास उनकी लड़ाई लड़कर दिलाया जा सके। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग इस बात को कभी ना भूलें कि हम बाय चॉइस हैं, और इस बात को अपने तरबियत में भी शामिल करें। जैसा इमरान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें कोई ईद की मुबारकबाद दे रहा है, तो हमें भी बढ़ चढ़ कर सभी के जश्न में और सभी के दुख में शामिल होना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक बदलाव लाना, और उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबसे सीखने के लिए आई थी, और बस यही चाहती हूँ कि अदीब साहब ऐसी बैठकें दोबारा करते रहें, ताकि हमें सीखने का मौका मिले, पार्लियामेंट में खड़े होकर इंसाफ के साथ हम सभी की आवाज़ उठा सके। ऐसी तरबियत हम की हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।